नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ही पहचान लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और YouTube से अब तक मैंने कुछ पैसे भी अर्न कर लिए हैं। दोस्तों, YouTube एक ऐसा माध्यम है जिस पर आप भी अपनी मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। और इससे पहले मैंने कई ट्रैवल किए हैं फ़्लाइट से, बट यह पहली ट्रैवल फ़्लाइट है जिसमें मैं यूट्यूब के पैसे से ट्रैवल कर रहा हूँ। इस ट्रैवल में मैं दिल्ली से चेन्नई जाऊँगा, जो हमारे कुछ पर्सनल काम की वजह से जाना पड़ रहा है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यह भी गाइड करूँगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट से, तो कैसे और किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मैं अभी इलाहाबाद में हूं और इलाहाबाद से मैं अभी दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से ही हमारी फ़्लाइट है जो चेन्नई जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इलाहाबाद से पहले दिल्ली जाऊँगा, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर और हमारी जो ट्रेन है वो हमसफ़र है, जो इलाहाबाद से नई दिल्ली जाती है। और यह 10:30 बजे इलाहाबाद मिलेगी और नई दिल्ली में 6 बजे आपको छोड़ देगी। इसके बाद जो हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग है वो 8:30 बजे की है, तो इसलिए हमें टाइमली स्टेशन पे पहुँच कर तुरंत ही वहाँ से मुझे एयरपोर्ट पे निकलना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर हमें कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचना होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहां से हम अभी कैब बुक करेंगे और चलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारी जो फ़्लाइट है वो किस टर्मिनल से है, जो आपके टिकट पर मेंशन होता है, क्योंकि बड़े बड़े एयरपोर्ट पर टर्मिनल होते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इन सब जगहों पर टर्मिनल होते हैं और टर्मिनल से ही हमें एयरपोर्ट पर अंदर जाना होता है। तो मेरा जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से है और टर्मिनल 3 से है, तो मैं टर्मिनल 3 की तरफ जा रहा हूँ। और मैं टर्मिनल 3 से होते हुए एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ। और एयरपोर्ट पर दोस्तों पहुँचने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके टिकट होने के साथ साथ आपके पास एक वोटर आईडी या आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपके टिकट के साथ साथ आपकी एक प्रूफ चेक की जाती है। तो आप यात्रा करने से पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी जरूर रख लीजिएगा। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हमें कुछ गेट दिखाई देंगे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 2, जैसा एयरपोर्ट होगा उसी हिसाब से यहाँ पर गेट बने होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 से 4 गेट हैं, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। और आपको एंट्री करने के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी और टिकट आपको चेक कराना पड़ेगा, इसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। तो मैं चलता हूँ गेट नंबर 2 से एंट्री करने, जिसमें मुझे एक आईडी प्रूफ और अपना टिकट दिखाना होगा, इसके बाद मुझे एंट्री मिलेगी। एंट्री होने के बाद हमें यह देखना होगा कि हमारी फ़्लाइट कौन सी है, इंडिगो की है, स्पाइस जेट की है, एयर इंडिया की है। जिसकी भी फ़्लाइट होगी आपको उसके काउंटर पर जाना होगा, क्योंकि काउंटर पर जाकर ही हमें बोर्डिंग पास बनाना होता है। तो मैं चलता हूँ स्पाइस जेट के काउंटर पर और यहाँ पर मैं अपनी बोर्डिंग पास बनाऊँगा। आपकी जो भी फ़्लाइट होगी, इंडिगो की, स्पाइस जेट की, एयर इंडिया की, आप उसके काउंटर पर जाकर अपनी बोर्डिंग पास बनवा सकते हैं। दोस्तों, बोर्डिंग पास में हमें गेट नंबर डिसाइड किया जाता है कि किस गेट नंबर से आप जाएंगे और अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे, इसीलिए मुझे बोर्डिंग पास बनाया जाता है। और एक इसमें QR कोड होता है जिसे स्कैन करके आप आगे जाएंगे। तो मैंने अपना बोर्डिंग पास बनवा लिया है, जिसमें हमारा जो गेट नंबर है वो 42A है। इसके बाद 2 काम होते हैं, जिस पहला होता है बैगेज का, जिसमें 2 तरह के बैगेज होते हैं, पहला हैंड बैगेज और दूसरा केबिन बैगेज। दोस्तों, हैंड बैगेज में केवल 7 किलो तक के सामान जो आपके हैं वो आप फ्लाइट के अंदर अपने साथ ले करके जा सकते हैं, और 15 किलो का आप केबिन में ले जा सकते हैं। केबिन में ले जाने वाले सामान को हम केबिन बैग पर जा कर के जमा कर देते हैं, जो हमारे साथ नहीं जाते हैं, आपको जहां फ़्लाइट लैंड करेगी वहां पर आपको वो बैग मिल जाएगा। तो यह जाने से पहले आप ध्यान रखिए कि जो आपकी हैंड में जो भी सामान होंगे वो 7 किलो से ज़्यादा ना हो, और जो अटैची के सामान हो जो केबिन में जाएंगे वो 15 किलो से ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपसे उसकी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। इसके बाद जब आपके हैंड बैगेज और केबिन बैगेज का काम हो जाएगा, तो अब आपको सिक्योरिटी चेक से कर गुजरना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो भी हैंड बैगेज के सामान है, लैपटॉप
बैग वगैरह पर्स सब कुछ आपको अलग करके आपको चेक इन होता है और आप अलग से आपको चेक किया जाता है, तब आपको एंट्री मिलती है। अब इसके बाद जो है आप गेट नंबर अपना सर्च करिए, गेट नंबर सर्च कर नहीं करना होता, जैसे ही आप एंट्री सिक्योरिटी चेक से बाहर होंगे आपको एरो से डिसाइड किया जाएगा कि आपका गेट नंबर किधर है। जैसा कि आपने हमारे बोर्डिंग पास में देखा था कि हमारा जो गेट नंबर है 42 है, तो मैं अपने गेट नंबर की ओर चल रहा हूँ और देखिए एरो इस तरह से दिखाई देता है, इसी एरो को फॉलो करते हुए मुझे अपने गेट की तरफ जाना है और आप भी इसी तरह से फॉलो करते हुए अपने गेट नंबर की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए मैं अपने 42A गेट नंबर के पास आ चुका हूँ और यहीं से अब हमारी जो बोर्डिंग पास पे जो QR कोड बने होते हैं वो स्कैन होंगे और यहीं से हम बस के थ्रू हो करके अपने फ्लाइट तक जाएंगे। मैंने अपना बोर्डिंग पास स्कैन करा करके बस से फ्लाइट की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं फ़्लाइट में एंट्री करूँगा। और यहाँ पर भी आपका सीट नंबर चेक करके एक एम्प्लॉई जो होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री कराता है। तो आइए चलते हैं फ्लाइट के अंदर। जैसे ही हम फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो एयर हॉस्टेज होंगी जो आपको विस करेंगी और इसके जस्ट बगल में ही गेट होता है जिसके अंदर हमारी सीट होती हैं। अब अपने आप टिकट पर सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन सी आपकी सीट है। हमारी जो सीट है वो 26A है। यहाँ से अभी देखिए स्टार्ट होता है 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2 ऐसे करके स्टार्ट होता है। जो आप जहाँ पर ये बैग रखा जा रहा है उसके जस्ट नीचे ही लिखा होता है, आप उसको सर्च करके आगे जो भी आपकी सीट होगी आप उस सीट पर जा करके बैठ जाएंगे। मैं अपनी सीट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर बैठ गया हूँ। इसके बाद जैसे ही दोस्तों फ्लाइट टेक ऑफ होगी तो उससे पहले कुछ एयर होस्टेज के तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप अपनी सीट की बेल्ट बांध ले और कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको आप उसको ध्यानपूर्वक सुनना होता है। इसके बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड में करना होता है और तब तक करना होता है जब तक हमारी फ़्लाइट लैंड ना कर जाए। और यदि आप यह भी देखना चाहते हैं कि फ़्लाइट टेक ऑफ कैसे करती है और बादलों और हवा के बीच में कैसे उड़ती है और कैसे लैंड करती है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो कैसी लगी। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा।